Hi everyone, good evening, welcome back to another video of my channel, So today is Monday and yes, I'm back from my work और अभी मुझे drop करके गए हैं gym और मुझे खाना बनाना है अभी तो मैं बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा क्या बनाया जाए I decided to make potato the easiest one क्योंकि और कुछ बनाने में थोड़ा time लग जाता है मुझे आज फटाफट से कुछ बनाना था तो मैंने बस आलू बना लिया पोटैटो बॉईल कर लिया है अभी मुझे बनाना है इसकी सब्जी और रोटी एंड बाय द वे बस दो आदमी है हम और अभी तो उतना समझ में भी नहीं आता जब बहुत सारे खाने वाले हो तो समझ में आता है और अभी को तो जो भी दे दो बस उसे वो कुछ भी खा लेता है बस रोटी होना चाहिए तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना और चाय बनाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद अभी के आने के बाद बिकॉज वो अभी गए हैं जिम तो वंस ही इज बैक हम दोनों बैठ के इंजॉय करेंगे चाय सो अभी आ चुके हैं एंड मेरा डिनर भी ऑलमोस्ट बन चुका है बस सब्जी बाकी है जो कि मैं बना रही हूँ ऑलरेडी चढ़ा दिया है तो अभी आप चाय पीना चाहोगे हाँ. तो आज कौन बनाएगा हम ना तुम बनाए हम जिम से आया थक गए तुम ओके सबसे अच्छा वो चीट करते हैं ओके ठीक है पेपर पेन लाओ ओके वेट गाइस देखते हैं आज किसका लक अच्छा है और किसका लक खराब है किसका विनर हम ही है हरदम बैंगलोर में भी हम ही जीतते थे वैसे हम लोग ही हमेशा करते हैं जब हम लोग बैंगलोर में भी रहते थे हम अभी और विकी तो कभी हम लोगों को चाय पीने का मन करता था जैसे कुछ टाइमिंग नहीं होता था हमें रात के 1 बजे 2 बजे भी चाय पीने का मन करता था उस टाइम बनाने का मन नहीं करता तो हम लोग चीट बनाते थे जिसका नाम आता था वो चाय बनाता है तो आज देखते हैं और आप सब भी देखिए किसका नाम आता है कैन यू प्लीज होल्ड दिस आई गेट योर पेन एंड अ पेपर सो हियर इज द पेपर पेन कहाँ पेन पेन कहाँ होगा पीछे नहीं पेन है आई मीन पेपर कहाँ डायरी होगा उधर वहाँ डायरी है ओके उधर डायरी है सो तुम लिखेगा ना हम तुम ही लिखो तुम हम तुम ही लिखो तुम ही लिखो देखते हैं कौन जीतता है चीट एक्चुअली बैंगलोर से तो मैं ही जीतता हूँ बैंगलोर में हम विक्की और ये मिल के चीट जो लिखेगा वो बाद में उठाएगा ओके हाँ ठीक दो ही चीट है एक आदमी उठाएगा एक आदमी लिखेगा तो हम लिखे तो हम तुम नहीं उठाएगा हम उठाएंगे बात करता हूँ हाँ एक में यस लिखना एक में नो लिखना ओके सो लेट्स सी गाइस तो ये रहे दो चीट जो कि मैंने बनाया है सो उठाओ देखते हैं क्या आया ओ गॉड ची वंस अ विनर ऑलवेज अ विनर या ओ को को गो यू तुम्हारा क्या है यस ही होगा यार ऑब्वियसली यस इट इज यस गो एंड मेक टी ची सो गाइस जैसे आप सब ने देखा मैं हार चुकी हूँ मेरा यस आ गया तो अब मुझे चाय बनाना पड़ेगा फिर भी अगर तुम चाहे तो बना सकते हो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम जिम से हम थके हम नहीं बनाएंगे तुम ही बनाएंगे ओके तो मैं जाती हूँ चाय बनाने ठीक है तुम्हारे वाले में कितना चीनी रहेगा चाय में चीनी अलग से नहीं पड़ता एक ही साथ में बॉइल करके बनाओ अच्छे से ओके तुम ग्रीन टी लोगे लेमन टी लोगे ना मिल्क टी लोगे मैं वो ग्रीन टी वहां मिला था नहीं चाहिए दवाई से कम नहीं है नहीं चाहिए एक्चुअली आज हम दोनों ने ग्रीन टी पिया इट वाज सो बैड आई मीन नॉट जिसको पसंद है इट्स ओके बट हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है तो वी वर लाइक ओके तो चलो चाय बनाए तुम अभी भी चांस अगर बनाना चाहते हो तो नहीं नहीं मुझे चांस चाहिए ही नहीं ऐसा सौभाग्य हमको नहीं चाहिए चाय बनाने का वो सौभाग्य तुम ही रखो सो मीन चलो मैं चाय बनाती हूँ खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है चाय भी मुझे ही बनाना पड़ता है क्लीनिंग भी मुझे ही करना पड़ता है सारा काम मुझे करना पड़ता है नो प्रॉब्लम सो मैंने चाय चढ़ा दिया है और बन रहा है चाय और इधर बन रहा है सब्जी और चाय में मैं ही बना रही हूँ सारा काम मुझे करना पड़ता है और ये सब बस आराम करते हैं देखिए देखिए कैसे आराम कर रहे हैं
क्या जनाब, आप तो आराम फरमा रहे हैं। आराम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? कंटेंट ढूंढ रहे हैं। किस चीज के लिए? लोगों ब्लॉग्स के लिए, एयरपोर्ट अपडेट, एयरपोर्ट का न्यूज़ देखते हैं, तब तो इतना अच्छा अच्छा अपडेट देता है। ओके, ये इसीलिए। चलो यार उधर बैठ जाऊंगी। उधर बैठो ना। नहीं नहीं, हमको यहाँ पे ही बैठना। मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ, तो अभी अपना वीडियो बनाने का कुछ कंटेंट ढूंढ रहा है ताकि आप सबको अच्छा अच्छा वीडियो दे सके ये मिस्टर अविनाश आर्या। एंड जिस किसी को नहीं पता है, इनका यूट्यूब चैनल है देवघर ब्लॉग्स, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? यस, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बन चुका है चाय, एंड चाय के साथ है नमकीन। अभी को बिस्किट नहीं खाना था, इसीलिए ओनली नमकीन, और मुझे कुछ भी नहीं खाना, बिस्किट या नमकीन। लीजिए जनाब आपका चाय, ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। तो अब हम लोग अपना एंजॉय करते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो सारा काम हो चुका है मेरा, खाना वाना भी बन चुका है, एंड मैं सोच रही हूँ आज ये लगाने का, मामा अर्थ का फेस मास्क लगा लूँ अभी। अब मैं इसे लगाने से पहले, इसे यूज़ करने से पहले मैं अपना फेस प्रॉपरली वॉश कर लूँगी, बिकॉज ऑफिस से आने के बाद मैंने अपना फेस वॉश भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश कर लूँगी, एंड आफ्टर दैट आई यूज़ इट। सोच लिए। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है, वाइप भी कर लिया है फेस को, अब मैं इसे लगा लूँगी। और मैंने अभी तक इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया यार, क्योंकि बस ऐसे ही। तो चलो चलो अब लगाते हैं। अभी तुम्हें भी लगाना है? नहीं। क्यों? ऐसे ही लगा लो। वैसे ये है बहुत अच्छा गाइस, मैंने बस दो तीन बार ही यूज़ किया है, बट द रिजल्ट वाज ऑसम। आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, एंड मामा अर्थ का प्रोडक्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होता है, सबको पता होगा ये, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। फेस मास्क और स्क्रब, अभी तक मैंने बस फेस मास्क और स्क्रब लिया है मामा अर्थ का, बट इट्स नाइस, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये फेस पे, एंड मेरे स्किन टोन पे ये मैच भी करता है, मेरे स्किन टाइप पे। आई मीन तो अब इसे ड्राई होने देते हैं थोड़ी देर तक, एंड देन मैं इसे फिर रिमूव कर लूंगी और आप सबको दिखाऊंगी द फाइनल रिजल्ट। सो थोड़ी देर तक वेट करते हैं। वैसे गाइस, फॉर बेस्ट रिजल्ट इसे आपको यूज़ करना चाहिए ट्वाइस अ वीक, बट मैं आई थिंक वंस इन ए मंथ यूज़ करती हूँ, नॉट इवन दैट। अभी मैं बहुत दिनों बाद ये लगा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ वन मंथ या टू मंथ, पहले मैंने पहले लगाया था। तो अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ट्वाइस ए वीक इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। बहुत ही इफेक्टिव है ये और बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं इसे जस्ट 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। वैसे तो नेक पे भी लगाना चाहिए, बट अभी नेक पे धोने से मेरा कपड़ा भी गीला हो जाएगा, सो आई थॉट क्या चलो ये अभी मैं बस फेस में यूज़ कर लेती हूँ, और 15 मिनट्स इसे छोड़ना है ऐसे ही, एंड देन आई जस्ट वॉश इट विथ वार्म वाटर। तो वार्म वाटर से वॉश करने से क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसलिए मैं वार्म वाटर से यूज़ करूँगी। तो वॉश कर लिया है मैंने अपना फेस, एंड बिलीव मी गाइस, मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ही हाइड्रेटेड भी फील हो रहा है। आई होप यू कैन सी द डिफरेंस, एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अभी तुमको कुछ डिफरेंस लग रहा है मेरे फेस में? अच्छा, क्लियर लग रहा है ना? यस, इट इज सो क्लीन एंड क्लियर, बहुत ही फ्रेश भी फील हो रहा है। अब मैं जस्ट एक नॉर्मल सा रोज वाटर लगा लूंगी, एंड दैट्स इट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर, वो भी नीचे बैठ के, क्योंकि अभी को नीचे बैठना था, मजबूरी है चोको के डर क्योंकि चोको अटैक। डाइनिंग टेबल पे तो चोको कुछ नहीं करेगा, नीचे बैठने में ही डर है ना। नहीं मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, इसलिए साइड में बैठ के खाना चाहिए। ओके, तो हम लोग साइड में बैठ के खा रहे हैं, और ये हमारा सिंपल सा डिनर, रोटी सब्जी दूध। यस, सो गाइस हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं, एंड फिर आपसे मिलते हैं।
तो डिनर हो चुका है हमारा एंड अभी अपना सेटअप कर रहा है बिकॉज वो अभी लाइव जाते हैं अपने चैनल पे। तो बस मैं आपसे मिलती हूँ फिर से थोड़ी देर बाद, लाइव खत्म होने के बाद। आई नो आज मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाद में मिलती हूँ, बट चलिए बाद में मिलते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग और एक्चुअली अभी का कल लाइव खत्म होते होते इट वाज अराउंड 11:30 है ना अभी, तो उसके बाद हम लोग बस सो गए। तो मैंने सोचा चलो अभी वीडियो एंड कर दिया जाए और मैं अपना डे शुरू कर रही हूँ विद अ कप ऑफ टी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी एंड गो टू माई वर्क। और मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में, शाम वाला ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।